जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन लिस्ट होने वाले दो कंपनियों के ऊपर, जिनके ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमको बड़ा फेर बदल यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, जिसको ही यहाँ पर हम देखने वाले हैं। एंड उन इन दोनों कंपनियों के लिस्टिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड यहाँ पे मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, चाहे तो आप उस वीडियो को मेरे चैनल पे विजिट करके आराम से देख सकते हैं। उसके लिए बस आपको बस करना ये होगा कि आपको हमारे चैनल पे विजिट करना होगा। एंड यहाँ पे वीडियोस वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, स्क्रॉल कर कीजिएगा, उसके बाद देखने को मिलेगा कि यहाँ पे दिव्यानी आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे मैंने पहले ही वीडियो बनाया, इसके लिस्टिंग से रिलेटेड यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया, उसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने XRO TIES से भी रिलेटेड यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया है। तो चाहे तो आप इन दोनों को भी यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पे दोस्तों ये देखने को मिल जा रही है कि प्रेजेंट टाइम में, मतलब उस टाइम का जो सिचुएशन देखने को को मिला था, उस टाइम मैंने उस हिसाब से यहाँ पे आपको इनके बारे में, लिस्टिंग के बारे में बताया था। लेकिन अभी की बातें करें तो यहाँ पे थोड़ा सा माहौल चेंज होते हुए देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे कहावत भी चलती है दोस्तों कि यहाँ पे मार्केट के हिसाब से आप लोगों को बदलना भी चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो हम आप बोल सकते हैं कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आप अपने रूल अपने नियम के हिसाब से चलते हैं तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आपको फ्यूचर में कभी ना कभी घाटा जरूर होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप तो इस कंपनी से रिलेटेड पूरी डिटेल यहाँ पे मैंने बताए हैं, इन दोनों कंपनियों को आप आराम से जरूर से जा करके देखें, जिससे कि इस कंपनी से रिलेटेड इस कंपनी में क्या करना चाहिए वो सभी यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे हम लोग केवल यहाँ पे आज का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो क्या इशारा कर रहा है, बस हम उसके ही ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी हम यहाँ पर सीधा अपने पहले कंपनी दिव्यानी इंटरनेशनल के ऊपर आ गए हैं, जिसके ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि दिव्यानी या फिर XRO दोनों की ही लिस्टिंग की अगर यहाँ पर हम बातें करें तो कल के ही दिन यहाँ पे दोनों कंपनियाँ लिस्ट होते हुए आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो दिव्यानी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बातें करें तो 15/8 आज का डेट जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो उस हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 55 से 57 रुपये यहाँ पर हमको देखने को मिल जा रहा है। चलिए हम लोग 55 यहाँ पर मान के चलते हैं। एंड यहाँ पे इनका जो आईपीओ प्राइस है वो 90 रुपये यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहा है, मतलब जो इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 60% से ज़्यादा यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहा है, जो कि शुरू से ही हमको ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिला। तो पहले तो और भी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिल जा रहा है। मतलब दिव्यानी इंटरनेशनल में या तो हम बोल सकते हैं कि साफ साफ यहाँ पे लॉटरी ही लगते हुए यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है। तो इनके जो जिन लोगों को भी इनका अलॉटमेंट्स हुआ होगा इस कंपनी का, उनको तो लॉटरी यहाँ पे साफ साफ लगते हुए देखने को मिल जा रहा है। देन वहीं पे अगर हम बातें करें लिस्टिंग डी, तो जिनको अलॉटमेंट्स हुआ है दोस्तों थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट साइज से और भी यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर हमारी दूसरी कंपनी देखा जाए तो जो कि XRO TIES है, इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए 4 से 6 रुपए ही यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहा है। चलिए यहाँ पे 6 रुपए हम लोग पकड़ के चलते हैं, अधिक वाले को यहाँ पे पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, इनके आईपीओ प्राइस से बातें करें 120 से अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि मात्र 5% का ही यहाँ पे हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे केवल आईपीओ के लिए इस कंपनी में, आईपीओ में होने वाली लंबी कमाई के लिए इस कंपनी में लिस्ट किए होंगे, तो उन लोगों को यहाँ पे दिल की धड़कनें बढ़ती हुई यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें लगातार यहाँ पे अभी भी गिरावट यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है, जिस के हिसाब से हम बोल सकते हैं कंपनी के डिस्काउंट में लिस्ट होने के चांसेस यहाँ पे हमको ज़्यादा देखने को मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग केवल और केवल आईपीओ के लिए आएंगे वो लोग तो हम कह सकते हैं यहाँ पे फंसते हुए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा लंबे समय के लिए अगर आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो हमको बोल सकते हैं कि यह एक ऐसी कंपनी यहाँ पे हमको देखने को मिलती है जो कि वापस से आपके पैसे को वापस रिटर्न अच्छा कमा करके, अच्छा परफॉर्मेंस करके आपके जो पैसे हैं जो इसमें आईपीओ में अगर शायद से अगर डिस्काउंट लिस्ट हुआ तो जाहिर सी बात है आपके पैसे कुछ ना कुछ तो डूबेंगे, तो उन पैसे को फिर से रिकवर करके ये आपको दे सकती है। ऐसा इस कंपनी में यहाँ पे मादा आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसी यही वो कंपनी है दोस्तों जिसके डिस्काउंट में लिस्ट होने के चांसेस यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहे हैं। एंड जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला कि इन दोनों कंपनी XRO TIES या दिव्यानी से रिलेटेड डिटेल में अगर आप यहाँ पे लिस्टिंग स्ट्रेटजी से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको शुरू में बताया कि आप हमारे इसके पहले अपलोड की गई वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज भी मिल जाएंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम के हिसाब से देखें तो XRO का जो हाल है वो हमको खस्ता देखने को मिल जा रहा है, मतलब वीक देखने को मिल जा रही है। तो यहाँ पे इस
कंपनी से थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, आईपीओ वाले दिन मतलब कल के दिन यहाँ पे आपको थोड़ा झटका लगते हुए देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।